हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलिया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलिया। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली पहेली है, कविता और राजा की नई नई शादी होती है तो दोनों एक फार्म हाउस में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कविता को प्यास लगती है तो राजा कविता के लिए पानी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी वहाँ पर कविता को एक खरगोश अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। कविता को वो खरगोश बहुत पसंद आता है तो कविता उस खरगोश को पकड़ने लगती है, लेकिन वो खरगोश वहाँ से भाग जाता है। कविता भी उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। कविता देखती है कि पास में एक पत्थर रखा हुआ है तो कविता खरगोश को पकड़ने के लिए उसे एक पत्थर मारती है, लेकिन वो पत्थर खरगोश के बजाय वहाँ पर पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे साधु को जाकर लगता है, जिससे साधु की तपस्या टूट जाती है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और वो देखता है कि किसी लड़की ने मुझे पत्थर मारा है तो वो साधु कविता को अपने तप की शक्तियों से एक जानवर बना देता है। वहाँ पर एक चूहा, एक डॉगी, एक बिल्ली और एक सांप होते हैं। उस साधु ने इन चारों में से ही किसी एक को वो कविता बनाया है। कविता उस साधु से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। तभी वो साधु कविता से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ करूँगा, अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम पहले जैसी ठीक हो जाओगी। तभी वहाँ पर कविता को ढूंढते ढूंढते राजा वहाँ आकर पहुँचता है जहाँ पे वो साधु मौजूद है और कविता भी है। राजा उस साधु से पूछता है, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? तो वो साधु राजा से कहता है कि तुम्हारे सामने ये चार जानवर हैं, तुम पहचानो इन चारों में से तुम्हारी पत्नी कौन सी है। अगर तुमने अपनी पत्नी को ठीक पहचान लिया तो तुम्हारी पत्नी पहले जैसी ठीक हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझे पत्थर मारा था इसीलिए मैंने उसे एक जानवर बना दिया है। अगर तुम अपनी पत्नी को पहचान लोगे तो तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। राजा चारों जानवरों को गौर से देखता है और अपनी पत्नी कविता को पहचानने की कोशिश करता है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन चारों में से कविता कौन सी है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन चारों जानवर में से कविता कौन सी है? राजा चारों जानवर को गौर से देखता है, तभी राजा की नज़र वहाँ पर उन जानवरों में मौजूद बिल्ली पर पड़ती है, जिसके पैरों में उसे चूड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिसे देखकर राजा को याद आता है कि जब हम फार्म हाउस में घूमने के लिए आए थे तभी मेरी पत्नी कविता ने ऐसी ही चूड़ियाँ पहन रखी थी जैसे कि अभी इस बिल्ली ने अपने आगे वाले पैरों में पहनी हुई है। इसका मतलब है कि ये बिल्ली ही है जो मेरी कविता है। और वो साधु राजा से कहता है कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, ये तुम्हारी पत्नी ही है। और जैसे ही राजा अपनी पत्नी को पहचान लेता है तो वो कविता फिर से इंसान बन जाती है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? अगर आप पता लगा पाए तो हमें कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में ये एक लड़की का नाम है। दोस्तों, क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि ये लड़की का नाम क्या है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इसमें जो लड़की का नाम है वो क्या है? दोस्तों, ये जो लड़की का नाम है वो है किरण। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की अगली पहेली है। एक दिन एक चोरनी एक ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करके भाग रही होती है। पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस उस चोरनी का पीछा करती है। वो बहुत सारी चोरियाँ करती थी। एक दिन पुलिस को खबर मिलती है कि वो चोरनी
शहर छोड़ के भागने वाली है, तो पुलिस जल्दी से एयरपोर्ट जाकर पहुंचती है। वहां जाकर पुलिस को एक बैग दिखाई देता है। पुलिस उस बैग को खोलती है और उसके बाद में पुलिस यहां वहां ढूंढती है, तो उसे तीन लड़कियों के ऊपर शक होता है। पुलिस उन तीनों से पूछताछ करती है। पुलिस समझ जाती है कि इन तीनों में से वो चोरनी कौन है जो चोरियां करके यहां से भाग रही है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से वो कौन है जो चोरी करके यहां से भागने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों लड़कियों में से वो कौन सी लड़की है जो चोरी करके यहाँ से भाग रही है? दोस्तों, वो दूसरे नंबर वाली लड़की है जो यहाँ से चोरी करके शहर छोड़ के जा रही है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, पुलिस को जो सूटकेस मिलता है, उस सूटकेस में पुलिस को एक पिंक कलर की लिपस्टिक मिलती है और इन तीनों में से दूसरे नंबर वाली लड़की ने अपनी होठों पे पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी है, यानी कि ये बैग इसी लड़की का है और यही वो लड़की है जो चोरी करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। पुलिस इसी से ही पता लगा लेती है और फिर इस लड़की को वहीं पर पकड़ लेती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था, महाराष्ट्र में बाघ संरक्षण का अम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन। ये दोनों ही बाघ संरक्षण के अम्बेसडर हैं। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं अमन कुशवाहा, युक्ति, अंशिका माथुर, रूबी और सुधाकर। दोस्तों, आज का सवाल है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आप हमारी आज की वीडियो में कितने सवालों के सही जवाब दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।